हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सेट के बारे में बताऊंगी कि सेट हमारे राजस्थान में जो अभी अभी लागू हुआ है वो क्या है, उसका सिलेबस क्या है। और मेनली हम कंप्यूटर पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारा चैनल बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर है, तो मैं आपको कंप्यूटर के बारे में ही बताऊँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो सेट है वो हमारे राजस्थान में लागू हो चुका है, उसका एग्ज़ाम भी है, जनवरी में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा सेट का। तो इसमें आपका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, देखा जाए तो एक आरएस लेवल का सिलेबस है, लेकिन जो पेपर है वो आरएस लेवल का नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। क्योंकि और इसमें सबसे अच्छी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। आप सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए आराम से, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं लागू है। एंड इसका जो सिलेबस है उसमें इंडियन लेवल पे भी है, इसमें राजस्थान लेवल का भी है, मतलब इंडियन जीके भी है, राजस्थान जीके भी है, देन रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, एंड जनरल साइंस और जनरल कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जनरल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर मेनली 15 मार्क्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, 15 क्वेश्चन है, सॉरी इसमें 15 क्वेश्चन है। एंड जो हमारे मार्क्स हैं वो कितने हैं, 30 मार्क्स है। और जो हमारा वेटेज है, जो हमारा परसेंटेज है, वो 10% का इसमें वेटेज है। तो 10% बहुत होती है, और 30 मार्क्स आपको पता है कितने होते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स बहुत होते हैं कोई भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, स्पेशली कोई भी गवर्नमेंट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स बहुत होते हैं। तो इसमें 10% का वेटेज है, देन 15 क्वेश्चन है एंड 30 मार्क्स है। ठीक है, टोटल हमारे 30 मार्क्स का है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। और आपको बेसिक कंप्यूटर स्किप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ्री के है ये नंबर। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर में बहुत छोटा सा तो सिलेबस है, बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा और आपको 30 मार्क्स देगा। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर का आपको स्किप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका पूरी सीरीज़ डाल दूंगी, सारे मैं टॉपिक्स कवर करवाऊंगी मेरे चैनल पे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल पे जो मैं वीडियोस डालूंगी इसके बाहर, इसमें से कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगी, पूरा एक कंप्लीट एक तरह से कोर्स पढ़ाऊंगी आपको सेट का, बेसिकली कंप्यूटर का, जो कि बिल्कुल फ्री है और मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप आराम से इजीली पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पे से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन अब हम देखते हैं कि सेट का सिलेबस, जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है वो क्या है। देखिए, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। ठीक है, तो इस सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही इजी होगा। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर में क्या आएगा कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्यूटर से, बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है वो आ जाएगा इसमें। इसमें करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, इसमें ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंस आ जाएगी, जो हमारा कंप्यूटर के बारे में होता है मोटी मोटी चीज़ें, इसमें हम वो कवर अप कर लेंगे। ठीक है, देन सेकेंड टॉपिक है इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देन रैम, रोम, फाइल सिस्टम, ये सब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का जो फाइल सिस्टम है वो पढ़ेंगे, रैम, रोम, मतलब मेमोरी पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की मेमोरी, देन इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे हम और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, और हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखेंगे। देन हम उसके बाद आएंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके हम टाइप्स पढ़ लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक में ऑपरेटिंग सिस्टम कवर अप होता है हम वो करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा बाहर से भी नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल मॉडरेट हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमें लगता है कि सेट में आराम से आ सकता है, जा सकता है, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है राजस्थान के, हम वो देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपको सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए हुए हैं, वर्ड, एक्सेल, जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, और पावर पॉइंट। ठीक है, ये 3 हैं, इसमें एक्सेस नहीं दिया गया है, जो डेटाबेस होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेटाबेस, वो नहीं दिया गया है एक्सेस, तो हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सिर्फ 3 टॉपिक्स ही कवर कराएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर का पूरा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया हो ईजिली, ना ज़्यादा वाइड सिलेबस है, फ्री के 30 मार्क्स हैं, मेरे जो पढ़ाया है मैंने उसके बाहर आपको नहीं जाएगा। और मैं थोड़ी टेस्ट सीरीज, थोड़े क्वेश्चंस भी डाल दूंगी, वो कर लेना, ये इनफ होगा।
आप निश्चिंत रहिए, आपके कंप्यूटर में फ्री के नंबर है तो आप इसे छोड़िएगा मत, ठीक है। और सेट की तैयारी करिए, जिन जिनको पटवारी या फिर जिनको LDC का या फिर जिनको वीडियो का इनके एग्जाम्स देने हैं उनके लिए सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सेट करिए। क्वालिफाई भी होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें बच्चे बैठेंगे काफ़ी, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो इसलिए आप फ्री हो जाए, आराम से सेट निकलेगा, डोंट वरी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मेरे सेट की जो डालूंगी मैं वीडियोस उनको देखते रहिएगा, उनको प्रमोट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।